थीम पे बनाया हुआ है, जो हमारा नया संसद भवन है ना उसी के पूरा थीम पे बनाया हुआ है, पूरा देख सकते हैं, काफी सुंदर और भव्य लग रहा है। पूजा में काम आने वाली चीजें हैं, इस तरीके की चीजें वगैरह रहती है। मैम क्या प्राइस? फोटो देखिए फ्रेम में आपको मिलने वाली है, क्योंकि कांच के फ्रेम में बहुत सुंदर लग रहे हैं। टेराकोटा बोलते हैं इसे सर, प्राइजेस वगैरह कहाँ से स्टार्ट हुआ? पास मीठा पान, फायर पान, चॉकलेट पान, स्मोक पान, बेगम पसंद पान, शाही बनारसी, गुंडी पान, बनारस जो मोदी जी दिल्ली छोड़ गए। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट जायका लेने बनारस पहुँचते हैं। आप भी बनारस से आए हो ना? जी, हमारे नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने को नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आ गया हूं दिल्ली के चितरंजन पार्क में। दोस्तों इस जगह को दिल्ली का मिनी कोलकाता भी कहते हैं। जैसे आप सभी पता है नवरात्र चल रहे हैं, तो भाई ऐसे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहां की दुर्गा पूजा। ठीक है, चितरंजन पार्क में मतलब काफ़ी सारे दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, तो आज हम जिस दुर्गा पूजा के पंडाल में आए हुए हैं वो रहने वाला है आपका बी ब्लॉक में। यहाँ से संबंधित सारी जानकारी वगैरह देने वाले हैं, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, नियर बाय मेट्रो वगैरह क्या पड़ेगा, और दुर्गा माँ के दर्शन वगैरह भी कराने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सीन रहने वाला है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप आना चाहते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका ग्रेटर कैलाश का होगा। ग्रेटर कैलाश के मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो वगैरह लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम पंडाल के एंट्री गेट पे आ गए हैं। बाहर देख सकते हैं किस तरीके से जो क्राउड है रहने वाला है, और बाकी लाइन चेक कर सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी लगी है। चलो हम भी लाइन में लगते हैं और अंदर एंट्री लेते हैं। यहाँ से एंटर होते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ में बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे सारी लोकेशन यहाँ की लिखी हुई है। चितरंजन पार्क, दुर्गा पूजा समिति, माँ शारदा पार्क, बी ब्लॉक ग्राउंड, नई दिल्ली की इसकी लोकेशन रहने वाली है। बाकी यहाँ पे चितरंजन पार्क में काफी सारे दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं, सबसे पहले हम ये दिखाने वाले हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सारा शेड्यूल लिखा हुआ है, देख सकते हैं पंचमी का लिखा हुआ है, षष्ठी का लिखा हुआ है, सप्तमी का लिखा हुआ है। सप्तमी के दिन आज हम आए हुए हैं 9 बजे, देखिए डांस ड्रामा बायस क्रिएशन दिल्ली कोलकाता, इस तरीके का 9 बजे का आपको प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। बाकी 10:30 बजे ये देख सकते हैं आप, ये सारा जो भी है बंगाली और हिंदी सॉन्ग्स वगैरह देखने के मिलेंगे। अष्टमी का ये प्रोग्राम रहेगा, नवमी का ये प्रोग्राम रहेगा, इन्होंने सारा जो है शेड्यूल यहाँ पे लगा रखा है। टाइमिंग की बात करें तो ये मतलब जो है आपको दुर्गा पूजा है यहाँ पे 7-8 बजे स्टार्ट हो जाती है, आरती 7 बजे होती है, एंड ये 23 अक्टूबर तक चलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम दुर्गा माता के दर्शन करा देते हैं आपको, उसके बाद जो है पूरा पंडाल वगैरह सारा घुमाते हैं। और दोस्तों दुर्गा पंडाल भवन के थीम पे बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, देखिए बहुत ही सुंदर भव्य लग रहा है। जो है कि संसद भवन के थीम पे बनाया हुआ है, जो हमारा नया संसद भवन है ना उसी के पूरा थीम पे बनाया हुआ है, पूरा देख सकते हैं, काफी सुंदर और भव्य लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, पहले सबसे पहले आपके माँ दुर्गा के दर्शन कराते हैं। चलो सबसे पहले दुर्गा माँ के दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर भाई पंडाल बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के ऑयल, भैया क्या है, कौन से ऑयल रहते हैं थोड़ा बताइए? ये ऑलिव ऑयल है, पोमेस ऑलिव ऑयल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और हाँ, ये सारे हमदर्द के प्रोडक्ट हैं, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, www.hamdard.com की वेबसाइट। ओके, सारे हमदर्द के प्रोडक्ट रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे शॉप में काफी सारे स्टॉल देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे साड़ी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। हाँ, मार्केट में जो लहंगे 1.5 लाख रुपए के हैं, वो आप हमारे स्टार्टअप के थ्रू वीवर्स के रेट पे परचेज कर सकते हैं। ओके, और ये सर वुडन के क्या लगा रखे हैं, कितने क्या प्राइस देते हैं? हैंडीक्राफ्ट सिर्फ सहारनपुर है। अच्छा, सहारनपुर का है, सहारनपुर का वुडन हैंडीक्राफ्ट है, ये देश की वो कलाएं हैं जी सर, अकबर के जमाने से कारीगर बनाते आ रहे हैं हिंदुस्तान में जी सर। आजकल तो चाइनीज आइटम चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये चाइनीज नहीं है, ये सारा हैंड वर्क रहने वाला है, सारा हाथों से बनाया हुआ है। ये शीशम में है, ये प्योर शीशम है। अच्छा, प्योर शीशम है, ये खालिस शीशम की लकड़ी का, शीशम की लकड़ी का स्टैंड है। ओके, अच्छा ये चश्मा स्टैंड रहने वाला है, जैसे कि भैया बता रहे हैं स्टैंड है। ओके, इस पे आप अपना चश्मा ऐसे रख सकते हैं, ये देखो इस तरीके से चश्मा रख सकते हैं, ये चश्मा स्टैंड है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या प्राइस रहता है सर इसका? ये आपको हमसे पड़ेगा 200 रुपीज़ 200 रुपीज़ का वह है, और काफी सारे वुडन मटेरियल मिल जाएंगे जैसे देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये राजा महाराजा या महारानियाँ यूज करती थी। अच्छा अच्छा, प्योर शीशम की लकड़ी के हैं। ठीक है, तो आप इसमें बैंगल्स को डाल के ऐसे ही रख सकते हैं, बहुत ढेर सारे बैंगल्स आ जाएंगे। ओके, और
ये आपका शीशम में है। ओके। और ये आपका आम की लकड़ी में है। अच्छा, ये आम की लकड़ी में है। आम की लकड़ी में ये आम के लकड़ी। तो यहाँ पे आपको जिस तरीके की चीजें भी खरीद पाएंगे, जैसे देख सकते हैं ये देखिए सारी पूजा में काम आने वाली चीजें हैं, इस तरीके की चीजें वगैरह रहती है। मैम क्या प्राइस रहते हैं इनके? 600। ओके। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। देखो माँ दुर्गा की फोटो देखिए फ्रेम में आपको मिलने वाली है, जो कि कांच के फ्रेम में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए इस तरीके की काफ़ी सारी वैरायटी देखने के लिए मिलने वाली है। ये देखिए जैसे कि दीपावली भी पास में आ रही है तो शुभ लाभ वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो माता जी के चरण पादुका मिल जाएंगे, ठीक है, स्वास्तिक मिल जाएंगे। अब जैसे डेकोरेशन वगैरह में इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं। ये सर वुडन में रहने वाला है ना? वुडन में रहने वाला है। MDF है। MDF तितली बनी हुई है यहाँ पे, इस तरीके का आपको प्रोसेस वुड होती है। अच्छा प्रोसेस वुड होती है। ओके, ये क्या चीज़ है? ये फोन स्टैंड है, ऐसे असेंबल हो जाता है। अच्छा, फोन स्टैंड है। इस तरह वीडियो बनाते हैं तो आप इस पे रख के अपनी वीडियो बना। हाँ, ये देखिए फोन स्टैंड रहने वाला है। किन चीजों में काम आता है ये चीजें? पहनने के लिए गले में पहनने के लिए। टेराकोटा बोलते हैं इसे। सर प्राइजेस वगैरह कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इनके? 200 से। अच्छा, इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको, देख सकते हैं। जैसे देखो इयर रिंग्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, काफ़ी कुछ मतलब खरीद पाएंगे एक तरीके से। देख सकते हैं जो कल्चर सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे तो गणेश जी भी लगा रखे हैं काफ़ी। ये हाथ से बने हुए हैं क्या? हाथ से बने हुए ना, ये हाथ से बने हुए सारा कुछ हाथ से बना हुआ है। ओके, ठीक है। आप कोलकाता से हैं क्या? तो सर भी कोलकाता से आए हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे देखो बड़ी वैरायटी बस भैया ने लगा रखे। भैया इनके क्या प्राइस रहते हैं? 200। ओके, पीने में देखिए बनारसी पान भी देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं बनारसी पान देखने के लिए मिलने वाला है। देखो भैया किस किस वैरायटी का पान मिल जाता है हमारे पास? मीठा पान, फायर पान, चॉकलेट पान, स्मोक पान, बेगम पसंद पान, शाही बनारसी, गुंडी पान, कई अनेकों तरह के बनारसी, काफ़ी वैरायटी के पान देखने के लिए मिलने वाले। स्टार्टिंग वगैरह कहाँ से हो जाती है पान के? मीठा पान है 50 रुपीज़ का, 30 का भी है। ओके, तो काफ़ी वैरायटी के पान मिल जाएंगे। हाँ। बाकी फायर पान वगैरह, चॉकलेट पान वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ है बढ़िया एकदम। बनारस जो मोदी जी दिल्ली छोड़ गए, अच्छा डायरेक्ट जायका लेने बनारस पहुँचते हैं। आप भी बनारस आए हो ना? हमारे गाँव की बात है भैया। ठीक है, ये एकदम वही जायका जो बनारस में मोदी जी खाने जाते हैं, हम लोग यही ला के दे रहे हैं। ठीक है, क्या बात है भाई। तो यहाँ पे होगा जब मोदी जी आते हैं तो पान जरूर खाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही पान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएगा तो मतलब भैया से पान जरूर ट्राई करना, ठीक है, सारी वैरायटी के पान। देखिए ये शूटिंग वाला गेम देखने के लिए मिल जाएगा। भैया कितने रुपए में कितने शॉट रहते हैं? 100 में 6 शॉट। क्या करना होता है मतलब? बलून को टारगेट करना होता है। मोमबत्ती किस लिए लगा रखी है? अच्छा, कैंडल को भी टारगेट कर सकते हो। इसमें इनाम वगैरह भी कुछ होता है? बस निशानेबाजी करने के लिए। अच्छा, निशानेबाजी करने के लिए भाई ट्राई कर सकते हो। बाकी आपके साथ बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए देख सकते हैं, झूले वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे देखो इधर मिक्की माउस वाला मिल जाएगा, देखो ये मिक्की माउस वाला रहने वाला है। इधर एक तरफ काफ़ी छोटे छोटे झूले मिल जाएंगे, ये देखिए उधर ट्रैम्पलिन मिल जाएगा, ये देखो उधर पर छोटे बच्चों वाला झूला देखने को मिल जाएगा। उधर वो छोटा सा अप्पू कलम जिसे नाव वाला झूला कहते हैं ना, वो भी छोटा सा देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो झूले वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे देखो ये भी छोटे बच्चों का रहने वाला है, ये देखो हाथ से चलाने वाले कुछ झूले देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि छोटे छोटे बच्चों के रहने वाले हैं। स्टॉल के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारे स्टॉल देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे देखो सबसे पहले वहाँ पे लगा रखा है भाई कोलकाता स्पेशल, मतलब कोलकाता के कुछ स्पेशल जो भी है वो सब मतलब देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ देखो काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये देखो दिल्ली 6 चाट स्ट्रीट, मतलब दिल्ली 6 के जो भी चाट पकौड़े हैं वो भी चीज़ आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इनका जो मेन्यू है भाई वो वहाँ पे लग रहा है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको पास चल करके। पकौड़े के शौकीन है तो आपको ये भी स्ट्रीट देगा, वो कह रहा हूँ ये आपको स्टॉल देखने को मिल जाएगा दिल्ली 6 चाट स्ट्रीट। इनका जो मेन्यू यहाँ पे लगा रखा है देख सकते हैं, गोलगप्पे 50 रुपये की स्पेशलिटी की, 100 रुपये की भल्ला पापड़ी, 100 रुपये आलू चाट, इस तरीके से काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो काफ़ी सारे स्टॉल मतलब खाने पीने के काफ़ी सारे यहाँ को चाट स्ट्रीट वाला देखने के लिए मिल जाएगा। इधर देखो ये फुल्ली लंच वाला इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, उधर भी देखो काफ़ी सारे स्टॉल मतलब देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी बीच बीच में ऐसे इन्होंने सिटिंग मतलब चेयर्स वगैरह लगा रखी है, आप अपना फूड वगैरह लेकर के यहाँ पे बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। वेज के शौकीन है तो यहाँ पे आपको नॉन वेज भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे देखो ये बदमाश कबाबी, इस तरीके की कुछ चीज़ें वगैरह देखने को मिल जाएगी। थोड़ा इनका जो मेन्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कबाब के देखो ये प्राइजेस वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये देखो सारे प्राइजेस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पर भी दिल्ली 6 के आपको हैदराबादी चिकन दम बिरयानी 300 रुपये, हैदराबादी मटन दम बिरयानी 350 रुपये,
चिकन कोरमा में, इस तरीके के आपको नॉन वेज अगर आप खाना चाहते हैं तो नॉन वेज भी यहाँ पे आपको खाने पीने में अवेलेबल हो जाए। आज के इस ब्लॉग में इतने आशा करता हूँ जो आपको ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। भाई जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं तो सीआर पार्क में, दिल्ली के सीआर पार्क में काफ़ी जगह जो है नवरात्र दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं भाई आपको दुर्गा पंडाल जितना हो सके वो आपको घुमाएं। आशा करता हूँ आपको जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए ब्लॉग में, चैनल पर ऐसे दिल्ली के ब्लॉग वगैरह आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, कभी जैसे हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम, जय माता दी।